देश की राजधानी दिल्ली में इस समय डेंगू ने आतंक मचा रखा है। राष्ट्रीय राजधानी इस वक्त डेंगू से परेशान है। वहां डेंगू के अब तक 5,277 मामले सामने आ चुके हैं। इन 5,277 मामले में 2,570 मामले सिर्फ पिछले एक हफ्ते में ही सामने आए हैं। वहीं डेंगू ने राजधानी दिल्ली में अब तक 9 लोगों की जान भी ले ली है। इस पूरी बात की जानकारी एंटी मलेरिया ऑपरेशंस दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने दी है। रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि दिल्ली में साल 2016 के बाद डेंगू के अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में डेंगू ने अपना कहर बरपा रखा है। राजधानी दिल्ली में पिछले महीने डेंगू ने हर हफ्ते अपनी रफ्तार को तेज किया था। राजधानी दिल्ली में पिछले महीने 2 अक्टूबर को डेंगू के 341 मामले सामने आए थे, जो 9 अक्टूबर को 480, 16 अक्टूबर को 723, 23 अक्टूबर को 1006 और 30 अक्टूबर को 1537, 6 नवंबर को 2708 और 15 नवंबर को 5,277 पर पहुंच गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा तेज रफ्तार पिछले एक हफ्ते में देखने को मिली है, जिसमें डेंगू के 2570 नए मामले सामने आए हैं। वहीं डिजिटल मंच लोकल सर्कल्स पर किए गए सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 43% लोगों ने कहा कि उनके परिवार में या उनके किसी करीबी को इस साल डेंगू हुआ है। अगस्त के मध्य से दिल्ली एनसीआर के कई निवासियों ने लोकल सर्कल्स पर उनके परिवार में किसी न किसी को तेज बुखार, थकान और जोड़ों में दर्द जैसे डेंगू के लक्षण होने की जानकारी दी। सर्वेक्षण में 15,000 प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें से गाजियाबाद के 57%, दिल्ली में 45%, नोएडा के 44%, फरीदाबाद के 40% और गुड़गांव के 29% लोग थे। लेकिन जिस तरह से डेंगू का कहर अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, दिल्ली वासियों को पॉल्यूशन के साथ साथ डेंगू से कब राहत मिलेगी, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।